मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और इसी धारणा को रखते हुए महाराष्ट्र के बुलढाणा के डॉक्टर नंद कुमार पालवे मानव सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने मानवों की सेवा का संकल्प लेते ही सेवा संकल्प नाम की एक संस्था प्रारंभ की। इस संस्था के तहत मानसिक रूप से बीमार एवं गरीब असहाय लोगों की मदद की जाती है। खास बात यह है कि इस पूरे सेवा कार्य में डॉक्टर नंद कुमार पालवे जी के साथ उनकी पत्नी भी सेवा कार्य में शामिल रहती हैं। डॉक्टर नंद कुमार जी के द्वारा उन लोगों की भी बेहतर देखभाल की जाती है जो किसी न किसी कारण के चलते अपने घरों से भटक कर उनके संपर्क में आ जाते हैं। आज डॉक्टर नंद कुमार पालवे का यह प्रयास बुलढाणा सहित पूरे महाराष्ट्र में लोगों के लिए खासा प्रेरणादायक बन चुका है। नमस्कार, मी नंदकुमार पालवे, सेवा संकल्प प्रतिष्ठान नावाची एक संस्था चालवतो। सेवा संकल्प प्रतिष्ठान या संस्थेमध्ये सध्या 55 मनोरुग्ण आणि बेवारस लोक सेवा घेत आहेत। सेवा संकल्प प्रतिष्ठानचा पत्ता सेवा संकल्प प्रतिष्ठान मुक्कम पळसखेड सपकाळ तालुका चिखली जिल्हा बुलढाणा। रस्त्याने फिरणारे बेवारस मनोरुग्ण वृद्ध अपंग अनाथ अशा सर्व एड्सग्रस्त अशा सर्व माता बांधवांचा हा निवासी पुनर्वसन प्रकल्प आहे। ज्यांच्या अंगात आळे किडे पडलेत असे रुग्ण, ज्यांना एड्स या असाध्य रोगाने ग्रासले असे रुग्ण अशांची आपण इथं सेवा करतो। या सेवा कार्यासाठी आतापर्यंत मातृतीर्थ प्रतिष्ठान सिंदखेड राजा, लोकजागर सिंदखेड राजा, संजय महाराज पाचपोर, योगीराज फाउंडेशन मुंबई, द फाउंडेशन मुंबई यासह अनेकविध मान्यवरांच्या आणि अनेकविध संस्थांच्या मदती आहेत। परंतु हा मदतीचा ओघ थोडा कमी आहे। येत्या काळात आपल्याला सेवा संकल्प प्रतिष्ठानवर 200 मनोरुग्णांची राहण्याची व्यवस्था करायची आहे। त्या दृष्टीने मी सर्वांना आवाहन करतो की आपण आपल्या परीने या सेवा कार्यात खरेचा वाटा उचलावा व या सेवा यज्ञात सहभाग नोंदवावा। या सेवा प्रकल्पाला सेवा संकल्पला कुठल्याही प्रकारची शासकीय मदत किंवा शासकीय अनुदान आतापर्यंत मिळालेलं नाहीये, अजून भेटलेलं नाहीये। त्यामुळे मी आणि आमचा सर्व परिवार सध्या तरी संवेदनशील लोकांच्या मदतीवरच अवलंबून आहे। याच माध्यमातून सध्या 55 लोकांचा उदरनिर्वाह आणि त्यांचं पुनर्वसन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, कमी साधनांमध्ये सुरू आहे। आपल्याला इथं अजून 200 रुग्णांची व्यवस्था करायची। मी आपण सर्वांना या माध्यमातून विनंती करतो की आपण एकदा सेवा संकल्पला जरूर या आणि या सेवा कार्यात आपला सहभाग नोंदवा। धन्यवाद। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में हम एक ही छोटे से देहात पळसखेड इस गांव के करीब में ये जो एक आश्रम है, ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो अपने घर से जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जो मनोरुग्ण जिसे कहते हैं, ये लोग बेसहारा होने के बाद में इधर उधर भटकते हैं। उन लोगों को इस आश्रम में लाने के बाद में इस आश्रम में उनको एक सेवा दी जाती है, उनका इलाज करवाया जाता है, उनका खान पान, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब कुछ यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर एक ये डॉक्टर जो कि सेवा संकल्प के नाम से जो यहाँ चलाते हैं, ये यहाँ पर ये सब चीजों को देखते हैं। आज इसी हम इस सेवा संकल्प इस आश्रम में TV30 इंडिया की टीम पहुंची है। आज हम यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर सेवा देते हैं, इनसे ही हम जो है तो अभी सीधे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम है अर्जुन नबाजी गाड़े, मेरा गांव है हतड़ी तालुका पड़ता है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? मैं 2017 को 2 तारीख मई महीने के यहाँ पहुंचा। अच्छा, मैंने सुना था कैसे ये काम चल रहा है। अच्छा, तो सुना था, देखा नहीं था। अच्छा, इसलिए मैं ये देखने को आया। अच्छा, तो ये आने तक मुझे समझा कि ये जो जगह है वो मेरे लिए नहीं, जिसको घरदार है, जिसको बाल बच्चे है, जो अच्छे है उनको यहाँ रहना नहीं जमता। हम यहाँ उसको रोक नहीं सकते, उसको हम सहारा नहीं देख सकते। मैं बड़ा मेरे को 2 दिन रहना है, 2 दिन में मैं उनको मेरे सबको हिस्ट्री बोली कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या कंडीशन है। तो उस वक्त में उसको बोलो कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट खाली 20% काम करता है। मैं सीढ़ी को गया था डोली चेक करने के वास्ते, तो डॉक्टर ने बोला कि वो तुम्हारे जो हार्ट कमजोर है, तुम्हारी जान कभी जा सकती है, इसलिए तुम वो जो ऑपरेशन है उसका अब इलाज मत कर लो,
मैं बोला कि मेरे घर को गए के बाद मेरा बच्ची का वो जो मालिक है नौरा है वो शासकीय कर्मचारी है, उनके पास पैसा भी, वो खासगी दवाखाने में दे सकते इलाज कर सकते, लेकिन मेरा भरोसा नहीं था कि आप डॉक्टर ने बोला कि तुम जिंदा नहीं रह सकते, ऑपरेशन करते करते तुम चला जा सकते, इसलिए मैंने घर को किसी को न बताया मैं यहाँ आया। मेरे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरी पहचान देने वाले आधार कार्ड है, मेरी किस किताबें लिखे वाली किताबें, और मैंने जहाँ जहाँ ठिकाने कई कुछ कार्यक्रम किए थे उसके लिए पात्र बने थे कि मेरे पर उनका भरोसा जल्दी हो जाएगा, ऐसे मेरे कागज पत्र सुबह लाए थे। उनको बताया कि मैं किसे ऐसा ऐसा आधार है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मेरे मेरे क्षमता से मेरे जो मेरा अंग अवसर है ऐसे मेरे मैं इशारा कर सकता है। यहाँ पर अभी कितने लोग ऐसे मनोरुग्ना है जो यहाँ पर सेवा आप कर रहे हैं? जब मैं यहाँ आया था 2 मई 2017 को, तब यहाँ खाली 5 आदमी थे। अच्छा, 2 बच्चे थे, उसमें 2 वृद्ध थे, एक दो पागल थे, ऐसे खाली 5 थे, और वो 2 बच्चे थे जो उनको माँ है पर बाप नहीं। अच्छा, वो अच्छे तो मेंटल नहीं हो पर वो अच्छे हो, तो यहाँ 7 आदमी यहाँ थे। मैं जब यहाँ आया तब ये कुछ छत नहीं था, खाली वो शेड था। अच्छा, ये शेड में सब दवाखाना अंदर, लोगों का धान्य अंदर, वो जो ये पकाने का जो साहित्य वो अंदर, सोने को अंदर, सब अंदर था, जगह बहुत कम गिरी थी। तो जब लोगों को ये मालूम हुआ तो उन्होंने उसके बाद थोड़ी डोनेशन देने का वो सप्लाई किया, तो होता होता बड़ा होते रहा है वो, फिर सामने का वो हाल बन गए। अच्छा, बाद में ये हो गए, वो तो मालूम हुआ। ये जो मनोरुग्ण है इनकी जो सेवा करते हैं तो डॉक्टर साहब, तो वो इनकी सेवा कैसी करते हैं? वो खाली उसका नाम है नंद किशोर पालवे, उनकी औरत है आरती पालवे, दोनों जो नौरा भाई को है, ये सब उनका उम्र खाली 30 साल के आसपास है। अच्छा, तो उन्होंने एक शादी से पहले सोचा था कि आपने को ये लोगों के लिए काम करना है। अच्छा, जब ये पाठशाला पढ़ते थे तब वो अपने बस स्टैंड पे कहाँ लोग दुखते थे। हाँ, तो उनके खाने के डब्बे उनके घर थे। अच्छा, उन्होंने देखा कि ये ऐसा नहीं भाग सकता कि आपने को ये कुछ तरीके करना है, तो उन्होंने जब शादी की बाद में तो ये काम करने के लिए किए कि जब आप विवाहित हो जाएंगे तब आपको ये काम करना है। दोनों भी घर के बहुत धनाढ्य, उनके घर को बहुत प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने ये सोचा, तो घर के को वो बताया कि हमको ऐसा ऐसा करना है, हमको हम शादी करने की, तो दोनों को भी माँ बाप ने उनको सम्मति दिया, उनका बड़े दिमाग से शादी लगाए और उनको ये काम करने को उन्होंने परमिशन दिया। अभी जो आप यहाँ पर सुबह से काम करते हैं तो इसमें दिनचर्या कैसी होती है इनको, कब आप ये लोग कब उठते हैं, कैसा करते हैं बताइए? उनके पहले हम उठते। अच्छा, हमने पानी मोटर लगा के ड्रम पानी भरते थे। अच्छा, हमारा सब होने के बाद हम उनको उठाते, उनको पहले नाना बनाते, नाना बनाने के बाद उनको सुबह सुबह 7-8 बजे हम दूध पिलाते, एक एक आदमी को 250 मिलीलीटर का हम दूध देते, उसमें प्रोटीन पाउडर लगाते, थोड़ी शक्कर डालते, गर्म करते, उसको बिस्कुट देते, बिस्किट की पूरी उसके पास खरीद देते, थोड़ी देर में हमको उनको पोहे खिलाते नाश्ता। अच्छा, उसके बाद जो बीमार है उनको डॉक्टर साहब इलाज करते, जिसके पाँव में कीड़े पड़े हुए, बड़े बड़े जख्मा है, और खुद ही उसको इलाज करते, तो उनको जो ये खाना, जब एक आधा आदमी ज़्यादा बीमार पड़ा तो उनको चिखली और बोराड़ी में जो डॉक्टर लोग रहे थे वो उनको मुफ्त में इलाज करते, कोई आदमी आई वो जहाँ रहता ना ज़्यादा खर्चा लगा, 5-5 हज़ार लगाए, तभी वो डॉक्टर उनको नहीं मिलते क्योंकि तुम ऐसे काम करते, तो वो उनको मदद करते, तो डॉक्टरों को से वो डोनेशन नहीं लेते। अच्छा, वो क्या बोलते, वो तुमको खाली हमारे पेशेंट को तुम सेवा करो, मुझे भी वो डॉक्टर लोग सेवा करते हैं, मेरा हार्ट अटैक 20% था, आप 35% हो गए, तो मेरे को ये जिस सेवा है उसको कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन मेरे को मेरा आरोग्य मिला है, मेरी जान बची है, मैं हर कुछ दिन
जी सकता है और मेरे को ये वरदान है, इसलिए मेरे को ये काम पसंद है और मैं आगे भी मैं ये करने का सोचता है। तो चाहे तो इस तरह से आप यहाँ पर हमने इनसे जाना कि किस तरह से यहाँ पर मनोरोग ना आते हैं, उनकी ये लोग सेवा करते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ शेख इमरान की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।